हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास सेवन्थ आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप जाकर देख लेना। देखो क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -8xy फ्रॉम 7xy। देखो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, है ना। अब जब फ्रॉम की डिजिट दी रहती है तो फ्रॉम के बाद की जो भी डिजिट होती है उसको आपको पहले लिखना होता है ना। मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, ये जो फ्रॉम के बाद की डिजिट है यानी 7xy है, इसको आप पहले लिखना। देखो कैसे लिखा जाएगा, देखो आपका ये एक्सरसाइज 6A का आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट है ना। क्वेश्चन क्या है, -8xy फ्रॉम 7xy। अब देखो फ्रॉम की डिजिट को पहले लिख लो। अब सब्ट्रैक्शन है तो क्या करना है, पहले तो देखो लिख लो यहाँ 7xy। अब सब्ट्रैक्शन है ना तो माइनस का साइन लगा दो। अब इसके पास खुद ऑलरेडी माइनस है तो इसको ब्रैकेट में करके माइनस लिख दो, यानी 8xy हो गया। अब आप देखो कि माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना, यानी 7xy। और यहाँ क्या हो गया, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8xy। अब 7 और 8 को जोड़ दो, 7 और 7 14 और 8 15, यानी 15xy। यही आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका सेकंड देखो, देखो सेकंड है हमारा x2 फ्रॉम -3x2। फिर सबसे पहले फ्रॉम की डिजिट को आप पहले लिख दो, है ना। देखो फ्रॉम की डिजिट को पहले लिख दो, यानी लिख दिया हमने फ्रॉम के साथ माइनस है तो माइनस भी लिख देना, -3x2। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो हमें माइनस लिख दिया। अब यहाँ आप लिख दो x2। अब माइनस और माइनस, दो माइनस हो गए ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का आता है। दोनों को जोड़ दो लेकिन साइन माइनस का। अब इसके पास देखो 3x2 है और इसके पास 1x2 है, तो 3x2 और 1x2 मिलकर हो गया 4x2, है ना। यही इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड देखो, देखो थर्ड है हमारा x-y फ्रॉम 4y-5x, है ना। फ्रॉम की डिजिट को पहले लिख लो, जैसे ब्रैकेट में लिखा है वैसे एज इट इज उतार लो। यहाँ लिख दो आप, देखो लिख दो 4y-5x, फिर साइन माइनस का लगा दो, फिर इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब जब ब्रैकेट का देखो नंबर है और यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ लिख दो, इसको वैसे उतार दो 4y-5x। यहाँ देखो इसको छोड़ दो, आप इसको समझो, यहाँ क्या है इसके पहले प्लस का साइन है ना, तो हमने मैंने बताया जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस इक्वेशन बन गई, ये ब्रैकेट समझ लो कुछ नहीं है ना। अब देखो x और y को एक साथ जोड़ दो, ये हो गया 4y और एक मिलाकर हो गया आपके पास 5y। और यहाँ माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन किसका, माइनस का होता है। इसके पास 5x है और इसके पास 1x है, तो 5 और 1 मिलाकर 6x हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ देखो, फोर्थ है आपका a² + b² - 2ab। ये एक आइडेंटिटी होती है ना, फ्रॉम a² + b² + 2ab, है ना। अब इसमें भी देख लो, फ्रॉम की डिजिट को पहले लिख दो। फ्रॉम की डिजिट इधर यहाँ से पूरी है ना, इसको पूरे का पूरा वैसे लिख दो, यानी a² + b² + 2ab, पूरा का पूरा लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, साइन माइनस का लगा दो। अब इधर वाले नंबर को भी ब्रैकेट में करके पूरे का पूरा लिख दो, -2ab, है ना।
अब ब्रैकेट के बताएं माइनस, ब्रैकेट के अंदर जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इस तरह वाले को ऐसे का वैसे उतार लो आप, और यहाँ देखो इसको छोड़ दो, इस साइन को समझ लो, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 2ab है ना। अब आप देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं आपके नंबर, देखो ये क्या के प्लस का नंबर है ना, तो ये प्लस का और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये भी देखो प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, अब तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो 2 और 2 4, और तो आंसर हो गया 4ab। भाई इसके पास 2ab था, इसके पास भी 2ab था, 2ab 2ab मिलाकर 4ab हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, 5th है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर फ्रॉम 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy है ना। अब इसको फ्रॉम के डिजिट को पहले लिख दो, यानी लिख दो यहाँ 2x² माइनस 3y² प्लस 6xy, माइनस का साइन लगा दो, इधर वाले नंबर को ब्रैकेट में लिख दो, x² माइनस y² अब साइन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना चेंज कर दो, फिर यहाँ लिख दो देखो 2x² माइनस 3y² प्लस 6y, यहाँ देखो ये इसके इसको छोड़ दो, यहाँ प्लस है तो माइनस का x² हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का y² हो जाएगा। अब कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं देखो, देखो इसके पास x² है, इसके पास x² है ना, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2x² में से 1x² चला गया तो बचा 1x², साइन किसका, बड़े वाले का लगाते हैं, बड़ा वाला ये है ना, इसके आगे प्लस का साइन है तो हमने प्लस का लगा दिया। अब वाई को देख लो, यहाँ माइनस का 3y² है और यहाँ हमारे पास प्लस का है, फिर प्लस माइनस माइनस, तो 3y² में से 1y चला गया तो बचा 2y², साइन किसका, बड़े वाले नंबर का है ना, यानी यहाँ आ गया आपके पास 2y², फिर अब ये बचा आपके पास, इसको एज इट इज़ उतार दो, इसका तो कोई साथी नहीं है ना, इसको एज इट इज़ उतार दो। अब इसका एक 6th क्वेश्चन देखो, x माइनस वाई प्लस 3z, फिर फ्रॉम 2z माइनस x माइनस 3y, इधर y के इधर वाले फॉर्म के बाद के नंबर को आप इधर लिख लो है ना पहले, तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिख दो 2z माइनस x माइनस 3y, अब माइनस का साइन लगा दो, इसको ब्रैकेट में लिख दो, यानी x माइनस y प्लस 3z, अब ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, यानी 2z माइनस x माइनस 3y, यहाँ देखो ये प्लस का है ना, इसको माइनस का कर दो, यहाँ माइनस का है इसको प्लस का कर दो, यहाँ प्लस का है माइनस का कर दो। अब देखो x पहले x ले लेते हैं, देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, साइन माइनस का लगता है, तो यहाँ हो गया 1x और 1x मिलाकर हो गया 2x, इसके बाद y वाली डिजिट ले लो, देखो यहाँ कि xyz लिखते हैं ना, फिर देखो y यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 3y, यहाँ भी माइनस का 3y, तो माइनस और माइनस जुड़ गया, तो यहाँ हमारे पास नहीं ये माइनस का 3y है, कितना है देखो एक मिनट, देखो ये आपका z है ना, तब क्या हो जाएगा y में, देखो यहाँ 3y और यहाँ मिलाकर 1y है, तो बड़ा नंबर पहले लगा दो, प्लस माइनस माइनस, यानी साइन माइनस का, 3y में से 1y चला गया तो बच्चा आपके पास 2y, यहाँ देख लो अब z का नंबर एक ये है एक यहाँ पर, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 3z में से 2z चला गया तो बचा 1z, और 3 बड़ा है ना तो माइनस का साइन लगा दो तो बचा आपके पास 1z है ना, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, देखो 3rd बता रहा है कि सबट्रैक्ट करना है आपको 2a माइनस 3b प्लस 4c को